दोस्तों कल्पना कीजिए कि ह्यूमन काइंड ग्रो होकर के इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गई है कि हमने अपने सोलर सिस्टम को पीछे छोड़ दिया है और हम यूनिवर्स में चारों तरफ फैल गए हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या हम रास्ते में आने वाली हर चीज को कॉलोनाइज करते हुए एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर बस्तियां बसाएंगे? इस अथाह अनंत ब्रह्मांड में हमारा ट्रैवल करना कैसे पॉसिबल हो पाएगा और साथ ही साथ हमारे स्पेस सिविलाइजेशन देखने में कैसी होगी? दोस्तों हमारी सोलर सिस्टम से आज तक कोई भी बाहर नहीं गया है। यहाँ तक कि हमारे अर्थ के बाहर जाने वाले लोगों की संख्या इतनी कम है कि आप उसे उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। यहाँ से रॉकेट्स के सहारे जो भी लोग गए हैं वो भी हमसे कुछ ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए हैं। हमारे अपने सोलर सिस्टम में ही बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स मौजूद हैं, पर वो हमसे इतनी ज्यादा दूर हैं कि उनके पास पहुंचने में हमें हजारों लाखों सालों का समय लग जाएगा। अगर हम वॉयजर 1 की टॉप स्पीड से भी, जो कि 17 किलोमीटर प्रति सेकंड है की स्पीड से भी अगर हम ट्रैवल करते हैं तो भी हमें अपने नेबरिंग स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी तक पहुँचने में 70,000 सालों का समय लग जाएगा। यहाँ तक कि अगर हम ये भी मान लेते हैं कि हम किसी स्पेसशिप को 99% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट तक एक्सेलरेट कर पाते हैं तो भी हमें अपने गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचने में 26,000 सालों का समय लग जाएगा और हमारे नेबरिंग गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक पहुंचने में हमें अगले 2 मिलियन सालों का समय लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि कॉस्मिक स्केल पर अगर हम इतने ज्यादा स्लो हैं तो स्पेस में हम अपनी सिविलाइजेशन को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं? इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें हमारे यूनिवर्स की स्पीड लिमिट को बहुत पीछे छोड़ना होगा। एंड फॉर ऑल वी नो, लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाना हमारे लिए फिजिकली इम्पॉसिबल है, तो फिर उसे आउट परफॉर्म करने की बात तो जान ही दीजिए। यूनिवर्स इज इनॉर्मस, पॉसिबली इन्फिनिट, और हम ह्यूमंस की लाइफ स्पैन कंपेरेटिवली बहुत छोटी होती है टू ट्रैवल दोस डिस्टेंसेस। भले ही हम लाइट स्पीड पर ही क्यों ना ट्रैवल कर लें, लेकिन चलिए क्यूरियोसिटी को ध्यान में रखते हुए हम ये मान लेते हैं कि हम ह्यूमंस के पास लाइट स्पीड से ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी है, सो दैट वी कैन ट्रैवल अमंग दो स्टार्स। तो शुरुआत तो हम अल्फा सेंटोरी से ही कर लेते हैं जो कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में है। किसे पता, हो सकता है कि एक्सोप्लैनेट्स जो कि इस ट्रिपल स्टार सिस्टम के ऑर्बिट कर रहे हैं टर्न्स आउट टू बी हैबिटेबल आफ्टर ऑल। एक बार हमारे वहां पहुंचने के बाद हम खुद को और भी एलियन वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करने के लिए पुश कर सकते हैं। हाँ, इस बात के चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं कि हर वो एक्सोप्लैनेट जिस पर हम पहुंचते हैं सारे हैबिटेबल तो नहीं होंगे जिस पर हम ह्यूमंस रह सकें, क्योंकि इन एस्ट्रोनॉमी एक हैबिटेबल वर्ल्ड वही हो सकता है जो कि अपने होस्ट स्टार से बिल्कुल सही दूरी पर हो, यानी कि गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर, जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल सही हो, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, जिससे कि वहाँ पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद हो सकता है। लेकिन सच तो ये है कि हम ह्यूमंस को किसी एलियन वर्ल्ड पर सेटल होने के लिए सिर्फ पानी ही नहीं चाहिए होगा। हमारे लिए जितना लिक्विड वाटर इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी और टेम्परेचर भी है। तो इन सबको अगर हम कंसिडर करें तो हमारे लिए जस्ट लाइक अर्थ प्लैनेट को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इट इज पॉसिबल फॉर अस टू बिल्ड जायंट बायोम्स इन आवर स्पेसशिप्स वेयर ह्यूमंस कैन लिव फॉर जनरेशंस। या फिर हम किसी रॉकी एक्सोप्लैनेट को टेराफॉर्म करके अपने रहने लायक बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें आईसी कॉमेट से वाटर हार्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को अल्टर कर सकते हैं जिससे कि वो अर्थ के जैसा हो जाए। फॉर आवर सर्वाइवल वी कैन डू एनीथिंग टू ब्रीथ दैट फ्रेश एयर अगेन। एक बार ह्यूमंस के लिए कॉलोनीज बन जाए उसके बाद हमारे लिए स्पेस भले ही बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो पर हम ज्यादा ट्रेवल नहीं करेंगे, क्योंकि इवन एट द स्पीड ऑफ लाइट हम ह्यूमंस के लिए यूनिवर्स के दूसरे साइड पर पहुंचने में सदियां बीत जाएंगी और हमारी कई पुश्तें तब तक पैदा होकर मर भी चुकी होंगी, क्योंकि स्पेस इज जस्ट टू वास्ट इफ यू रिमेम्बर। इस नए वर्ल्ड में आपको स्पेस ट्रैवल करने के लिए तभी मिल सकता है अगर आप किसी स्पेसशिप के क्रू मेंबर हो, या फिर अगर आप एक कॉलोनिस्ट हो, या फिर एक स्पेस माइनर हो, क्योंकि इतने वास्ट डिस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम खुद ना जा करके वी आर गोइंग टू सेंड रोबोट्स टू परफॉर्म दोस इंटरगैलेक्टिक चोर्स। आफ्टर ऑल रोबोट्स को ना ही खाने की जरूरत होती है, ना सोने की, और ना ही उन्हें बाथरूम जाने की जरूरत होती है। साथ ही साथ दे कैन विदस्टैंड हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन एंड टेम्परेचर, हर वो कुछ जो कि हम ह्यूमंस के लिए इतना घातक हो कि हमारी जान ले ले। लेकिन फिर भी अगर आपको स्पेस ट्रैवल करने के लिए क्रेविंग्स होती है तो आप पोस्टल कैरियर में अपना करियर बनाने की सोच सकते हो, बिकॉज द मोस्ट रिलायबल वे टू कम्युनिकेट माइट बी थ्रू द मेल्स। चौंक गए? वेल, हमारे सैटेलाइट्स इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। इवन तो ये रेडियो वेव्स लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, स्टिल दूरी ज्यादा होने पर इन रेडियो वेव्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जस्ट लाइक बीइंग टू फार अवे फ्रॉम योर वाईफाई राउटर। तो अगर ह्यूमैनिटी एक इंटरस्टेलर सोसाइटी बन जाती है तो हम ह्यूमंस इवेंचुअली स्पेस की वास्टनेस में भी हम पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएंगे।
और ये हमारे अर्थ के लिए तो बहुत अच्छा होगा। जितना बुरा बर्ताव हमने अर्थ के साथ किया है उससे उसे थोड़ी छुट्टी मिलेगी और हमारा अर्थ फिर से रिकवर हो पाएगा, या फिर हमें कहीं जाने की जरूरत ही ना हो। मे बी हम अपने सन के आसपास एक आर्टिफिशियल प्लैनेट ही बना लें। किसी आर्टिफिशियल अर्थ पर रहना कैसा होगा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।